हो यहाँ का कार्यकर्ता हूँ, पटना में पैदा हुआ, भाजपा की मजबूरी यहाँ का साथ में है, उसके साथ जीत ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार से एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा ऐतिहासिक बहुमत से भारत स्वतंत्र सिंह अगर इस जगह से खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? मैं किसी का नाम नहीं देता, उसको आराम से बात करेंगे, उस पर मैं कोई किसी का नाम नहीं देता। थैंक यू। कभी भाजपा की ऐतिहासिक विजय यहाँ पर है, बिखर गया, बिखर गया, आप देख रहे गरीबी पचपन साल कांग्रेस वन टू वन बाबू रूप जा बाबू तुम जिस तरह नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ऊंचाई पर पहुंचा है, आज पार्टी के हमने ऐसा कार्यकर्ता को पार्टी ने दायित्व दिया है, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पटना साहब से ऐतिहासिक लड़ाई की वहां का मैं किसी का नाम लेता नहीं, आज भी नहीं लूंगा। ये लड़ाई है मुद्दों की, ये लड़ाई है आशा बनाम अवसरवाद की, ये लड़ाई है भारत को एक मजबूत देश बनाने की, ये लड़ाई है ऐसा महागठबंधन जो टुकुर टुकुर चलता है बिहार में, टूट गया है बंगाल में, आपके घिसट रहा है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नहीं खड़े हैं कांग्रेस के साथ, ऐसे ही देश बनेगा? आज देश को चाहिए मजबूत नेतृत्व, मजबूत सरकार, वो मोदी जी बीजेपी एनडीए। राहुल गांधी ने कहा है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 70,000 रुपए पर ईयर वो गरीबों को देंगे, इसका जवाब आपको कैसे देंगे? दिन में सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं, ये फरेब है, धोखा है और मैं कहूँगा जालसाजी है। राहुल गांधी जी, आपकी दादी ने खत्म में कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई, 55 साल हिंदुस्तान पर आपकी पार्टी नाराज किया, आपके पिताजी ने क्या किया, और 10 साल राहुल गांधी थे ना सबसे इम्पोर्टेंट सोनिया जी के साथ मनमोहन की सरकार, आपने क्या किया? आज अगर हमने 1.5 लाख करोड़ रुपया भेज रहे हैं गरीबों के लिए कई योजनाओं में तो वो जा रहा, आज हमने डीबीटी में बड़ी जालसाजी को खत्म किया, आज देखिए कांग्रेस का हाल, 12,000 जो देने की बात है हर किसान को 5 लाख, कांग्रेस की राज्य में कोऑपरेट नहीं कर रही है, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया हम गरीबों के इलाज, उसमें कांग्रेस की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, और मध्य प्रदेश में घटा ये किसानों का लोन माफ हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटका में हुआ, राहुल गांधी आप हैं घोषणा महापुरुष, घोषणा महापुरुष को देश जनता खो जाती है। आपने पटना पहुंचे थे उस समय जमकर एयरपोर्ट पर झड़प हुआ और आपके सिन्हा के जो समर्थक थे उन्होंने आपके खिलाफ नारे लगाए, कोई झड़प नहीं हुई थी, कुछ लोग थे जो भी है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
पूरा संगठन एक है और कार्यकर्ता को उत्साह देंगे। धन्यवाद। हम माने हैं।